डिंडौरी में संत रविदास जयंती पर विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। हरिजन वार्ड से विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी सहित पार्षद, जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डिंडौरी जिला मुख्यालय में संत रविदास जयंती के अवसर पर शहरी क्षेत्र में विकास यात्रा की शुरुआत की गई। संत रविदास की पूजा अर्चना के बाद हरिजन वार्ड से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया गया, साथ ही हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर विकास मिश्रा, नगर पंचायत के कर्मचारी, अधिकारी एवं पार्षद उपस्थित रहे। वार्ड के लोगों ने अपनी समस्या कलेक्टर को बताई, जिसके बाद नगर परिषद को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण किया जाए। कार्यक्रम में नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी के साथ पार्षद, जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो नगर के सभी वार्डों में घूमेगी। साथ ही वार्डों की समस्याएं सुनी जाएंगी और नगर के लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जो हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएं चल रही है, उनमें जो हितग्राही हैं, हम उन लोगों की सारी लिस्ट बना रहे हैं कि कितना लाभ उन लोगों को मिल चुका और कितने बाकी है। जितने बाकी है उन लोगों को सभी को हित लाभ दिलाना है, इसलिए ये विकास यात्रा शुरू की गई है। इस विकास यात्रा को यहाँ शुरू कर रहे हैं, निश्चित रूप से सही शुरुआत सही अंत तक हमें ले जाएगी। हमने इसके पूर्व में जो आवेदन थे उसकी तैयारी की थी, उन हित लाभ जो तो हितग्राहियों को देना था हमने यहाँ बांटे, और आज हमारी नगर परिषद यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहेगी और वहाँ पर प्रत्येक पार्षद के माध्यम से, जनता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो भी आवेदन आएंगे उसको, विकास यात्रा का मूल उद्देश्य यह है कि हमको ऑन स्पॉट जितना कार्य हो सकता है वहीं पर डिस्पोजल करना है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।